अगर आप शहर में रहते हैं और आपको खेती करने का शौक है तो अब आप अपना ये शौक बड़ी ही आसानी से पूरा कर सकते हैं। खेती के लिए आपको कहीं जमीन तलाशने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने घर की छत पर ही आप ताजी सब्जियां उगा सकते हैं, वो भी बिना किसी पेस्टिसाइड के इस्तेमाल के। जोधपुर जिले में कोरोना काल में चार दोस्तों ने मिलकर सब्जियां उगाने की इजरायली तकनीक का इस्तेमाल किया। इस तकनीक को हाइड्रोपोनिक्स तकनीक के नाम से जाना जाता है, जिसमें बिना मिट्टी लिए छत पर या छत की बालकनी में कुछ पाइप्स के इस्तेमाल से ही ये खेती आसानी से की जा सकती है। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक के जरिए पाइप में छेद करके उसमें पानी भरकर पौधे रोपे जाते हैं। इन पौधों के पोषण के लिए कुछ लिक्विड फर्टिलाइजर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। जमीन से टच न होने की वजह से इन सब्जियों में कीड़े लगने की संभावना ना के बराबर होती है। सब्जियों के माध्यम से कैंसर बहुत ज्यादा जल्दी फैलता है और सब्जियां हमें इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में भी बहुत हेल्प करती है। खान पान में हमें क्या चाहिए होता है, गेहूँ और सब्जी। तो हमें गेहूँ अभी हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो एटलीस्ट हमने सब्जियों पर कंसंट्रेट किया है, बहुत जल्दी गेहूँ पर भी करेंगे। सब्जियों को हमने अपने कंट्रोल में लिया है कि ये एटलीस्ट हमें अपने घर की मिले। बाजार की गंदी नाली के पानी से भी कुछ लोग करते हैं, भरोसा नहीं कर सकते कि कहाँ से सब्जियाँ किस प्रकार से आ रही है, उन पर पेस्टिसाइड का प्रयोग किया गया है या नहीं किया गया है। कितना भी धो ले, लेकिन पेस्टिसाइड तो सब्जियों के अंदर तक पहुँच जाता है, तो उसको निकालना आसान नहीं है। दीपक जी, आपने अपनी छत पे इतना एक पर्टिकुलर एरिया में हाइड्रोपोनिक खेती की है, अब इसको व्यापार के तौर पर आगे बढ़ाएंगे या इतना ही सीमित रखेंगे? नहीं, इसे व्यापार के तौर पे भी आगे बढ़ाएंगे और लोगों को जागरूक करने के लिए भी हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जब लोग जागरूक होंगे तो अपने अपने घरों पर करें। और हम लोग इसको व्यापार की दृष्टि से भी आगे कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था तो खुद के लिए किया था, अब धीमे धीमे जब लोग देखते हैं तो वो हमें संपर्क कर रहे हैं कि हमारे घर पे भी इसको बताइए कैसे कर सकते हैं या आकर हमारे यहाँ लगा दीजिए। तो हमने इसको व्यापार के रूप में भी शुरू किया है, हमने एक अपनी वेबसाइट भी बना दी है जिसके माध्यम से लोग हमसे मदद मांग रहे हैं, हम उनकी मदद कर पा रहे हैं। कुछ लोग बुला रहे थे, हम उनके घर पे जाके प्लांटिंग भी कर रहे हैं, इसलिए हमने एक वेबसाइट भी तैयार की है। घर की छत पर हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से सब्जियां उगाने वाले दीपक वैष्णव अब इस तकनीक के बारे में लोगों को बता रहे हैं। इसके लिए इन्होंने एक वेबसाइट भी बनाई है, जिसके जरिए खेती की इस तकनीक के बारे में लोगों को आसानी से जानकारी भी मिल रही है। अगर प्रतिदिन 10 मिनट दे तो बहुत अच्छे से प्रोडक्शन ले सकता है वो अपने घर पे, घर में प्रयोग होने वाली अपनी जरूरत की सारी सब्जियां घर पे उगा सकता है, अगर 10 मिनट का भी वो वक्त रोज का देता है। दीपक जी, मैं आपसे अंतिम सवाल पूछूंगा, ये जानना चाहूंगा कि किन किन तरह की सब्जियां आपने अभी ये कर रहे हैं, आप बता पाएंगे? जी, अभी हम लोग पालक कर रहे हैं, लेट्यूस कर रहे हैं, भिंडी कर रहे हैं, टमाटर कर रहे हैं, लौकी कर रहे हैं, बैंगन, यानी कि घर में प्रयोग होने वाली सारी ही सब्जियां हम लोग कुछ पाइप के माध्यम से कर रहे हैं और कुछ ग्रो बैग उसके माध्यम से कर रहे हैं। और सारी सब्जियां बहुत स्वादिष्ट हो रही है और उनकी पैदावार भी अच्छी है और बिना पेस्टिसाइड की हो रही है और उनका स्वाद भी बहुत अच्छा है। यानी अब पेस्टिसाइड्स वाली सब्जियां खाने की जरूरत नहीं। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आप भी इस इजरायली तकनीक का इस्तेमाल करके मिट्टी का इस्तेमाल किए बिना ही अपने घर पर ही टमाटर, मिर्च, पालक, बैंगन और पत्ता गोभी जैसी मौसमी सब्जियां उगा सकते हैं और खुद को फिट रख सकते हैं। आप देखते हैं किस तरीके से इन्होंने खेती की है, यहाँ पर एक अपनी छत के ऊपर विभिन्न तरह की बिना पेस्टिसाइड्स के आप सब्जियाँ खा सकते हैं। ये एक अपने आप में आत्मनिर्भर के लिए एक अच्छा मैसेज है। अशोक शर्मा, राजस्थान तक, जोधपुर।